हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ईद मेकअप लुक, तो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कैसे किया तो कीप ऑन वॉचिंग। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। कोशिश की थी मैंने चिट चैट गेट रेडी विद मी करने की, लेकिन हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूं। आईब्रोज फिल्ड इन है, आई बेस रेडी थी, तो मैंने न्यूड पैलेट लिया हुदा ब्यूटी का, एंड आई एम जस्ट यूजिंग दीज शेड्स इन माय क्रीज एंड माय आउटर कॉर्नर। बहुत हैवी मेकअप नहीं करना है क्योंकि शदीद गर्मी है, तो कोशिश करना है कि इसको हम कम से कम रखें। और एक शिमर शेडो मैंने लेके उसको अपनी आँखों के ऊपर सिर्फ ब्लेंड आउट किया है ताकि आई लुक कम्प्लीट हो जाए। उसके बाद आई लैशेज़ मैंने रिदा जैन की यूज़ की हैं, आई जस्ट लव दीज, एंड यू कैन यूज़ माई कोड टू गेट 10% ऑफ दीज लैशेज़। और आई लाइनर मस्कारा भी ऑफ कैमरा ही कर लिया था। अब मैं लगाऊंगी द क्लिनिक लाहौर का वाटर जेल सनस्क्रीन, एंड पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता अगर होता या नहीं होता, लेकिन मैंने पहली दफ़ा अपनी लाइफ में एक सनस्क्रीन, वाटर जेल सनस्क्रीन यूज़ किया है, विच इज़ परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन। उसके बाद मैं वाइब्रेंस कॉस्मेटिक्स का ये फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द बल्गेरियन रोज़ ऑयल, दिस इज़ मिरेकल इन अ बॉटल। आई जस्ट लव दिस सो फ्रिकिंग मच, ऑल्दो आई हैव ऑयली स्किन, लेकिन इसके दो ड्रॉप्स मेरे लिए इनफ होते हैं, एंड इट कीप्स मी हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे, एंड माई मेकअप अप्लाइज ब्यूटिफुली। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग दिस प्रोफेशनल प्राइमर बाई बेनिफिट, ये मैंने रिसेंटली बाय किया है, एंड आई हैव बीन लविंग दिस टू फिल इन माई पोर्स। आई जस्ट लव इट सो मच, एंड इतनी गर्मी में तो लगाना बनता है ना यार। उसके बाद आई एम यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ एलिज़म ब्यूटी का फाउंडेशन एंड MM सिल्क फाउंडेशन, बोथ आर ऑयल फ्री फाउंडेशंस, एंड दीज फाउंडेशंस विल मेक श्योर के मेरा मेकअप स्टे ऑन करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने स्किन को प्रेप भी इसीलिए अच्छी तरह से किया है, एंड एक मेरे लिए थोड़ा लाइट है, एक थोड़ा डार्क है, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स किया। आई विल मेंशन ऑल द शेड्स एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। और मैं अच्छे से इसको बफ इन कर रही हूँ अपनी स्किन में, बिकॉज यू डोंट नीड एनी हार्श लाइंस, डू यू? नो यू डोंट। और अच्छे से आई एम जस्ट पुटिंग, बिकॉज बेस तो फुल कवरेज ही चाहिए होती है ना, मतलब मुझे। एंड उसके बाद आई एम यूजिंग हुदा ब्यूटी का कंसीलर इन कोकीडो, और मैं अपने अंडर आइज को अच्छे से, क्योंकि डार्क सर्कल्स जो है आपकी बहन को इतने ज़्यादा शदीद किस्म के हल्के हुए हैं ना इस वक्त, कि वो कवर करने बहुत ज़रूरी हैं, एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग। एंड आई एम यूजिंग रिदा जैन का कॉस्मेटिक स्पंज, विच इज़ माई फेवरेट दीज डेज, येस इट इज़। उसके बाद जो है मैं यूज़ करूँगी ब्यूटिफाई बाय आमना का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। आई रियली रियली लाइक दिस पाउडर, क्योंकि ये एक वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है मेरे फेस पे, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट पाउडर, तो ये मेरे फेस को सेट भी कर देता है, और यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो मैं एक्सेसिव पाउडर लगा रही हूँ अपने फेस पे, बिकॉज़ गर्मी शदीद है और मेकअप को क्रीज भी नहीं करने देना है, हमने मेकअप को बचा के भी रखना है। तो एक्सेसिव पाउडर लगाएं आप अपने फेस पे, एंड देन यू डस्ट इट ऑफ विद द सेम ब्रश, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग। उसके बाद आई एम यूजिंग बेनिफिट का हूला ब्रॉन्जर। आप कोई सा भी ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं, मैं कॉन्टोर नहीं करूँगी इस मेकअप ट्यूटोरियल में, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट सॉफ्ट, इसलिए मैं ब्रॉन्जर लेके उसी से कॉन्टोर टाइप एक चीज़ कर रही हूँ, जो आप देख सकते हैं नोज़ भी, क्योंकि आप लोगों को बहुत बुरा लगता है जब अपनी पकौड़े के जैसी नाक कॉन्टोर नहीं करती, तो मैंने कर ली। एंड उसके बाद आई एम यूजिंग दिस कलर स्टूडियो का ब्लश, आई रियली लाइक दिस ब्लश, द कलर ऑफ इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड यू गाइज नो कि इतनी गर्मी में और डे टाइम लुक में ब्लश तो बहुत सारा अप्लाई करना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस, लेकिन मैं थोड़ी सी पागल ही हो गई थी। खैर, मैंने उसको डैप ऑफ कर दिया था। नाउ आई एम यूजिंग दिस डायमा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इनकी हाइलाइटर पैलेट। यू गाइस, दिस हाइलाइटर पैलेट इज़ सो प्रिटी, एंड इट्स नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव। मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको वैसे भी 10% ऑफ मिलेगा इसके ऊपर, एंड कैन यू गाइस सी द ग्लो राइट देयर, मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर से आ रहा है ग्लो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एलिज़म का ये फिक्सी ऑल डे सेटिंग स्प्रे, एंड आई जस्ट लव इट सो मच यू गाइस। उसके बाद लिपस्टिक के लिए हम यूज़ करेंगे निक्स की लिप लॉन्चर लिपस्टिक इन द शेड रफल ट्रिम। दिस इज़ द परफेक्ट पीचिश पिंकिश न्यूड, आई डोंट नो हाउ टू लाइक एक्सप्लेन दिस, बट दिस वॉज द परफेक्ट फॉर दिस लुक, इट वेंट परफेक्ट विद माई आई मेकअप इज़ वेल, एंड you guys can see how well it is going with this. Earrings are by my favorite Zevar Dhaga, main niche mention kar dungi. I just love these earrings, itna sara collection hai wahan pe jaake zarur check out kare, and this is the completed look. Okay guys, so this was it for the makeup look. I hope you guys enjoyed it. If you did, give it a thumbs up, subscribe to my channel before you leave.
ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोग ये लुक ट्राई ज़रूर करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी नाइस। अगर आप चाहें तो आप रात के टाइम इसी मेकअप को करके एक डार्क लिपस्टिक लगा सकते हैं, वट एवर यू फील कम्फर्टेबल इन। लेकिन इतनी गर्मी में यही ग्लैम आई थिंक इज़ परफेक्ट। सो या, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ यू गाइज़। बाय।